अध्याय 6 अपने मस्तिष्क का व्यायाम। जिस घास के मैदान में आर्या कदम रखती है वह रंगों और गतिविधियों की एक जीवंत विशालता है। खुले मैदान में विभिन्न इंटरैक्टिव पल्सर ब्रेन गेम्स और मानसिक चुनौतियां बिखरी हुई थी। प्रत्येक स्टेशन को संज्ञानात्मक कार्य और एकाग्रता के विभिन्न पहलुओं को उत्तेजित करने के लिए डिजाइन किया गया था। चादर में ढका हुआ व्यक्ति एक बड़े जटिल पजल के पास खड़ा था जिसमें इंटरलॉकिंग पीस और जीवंत पैटर्न थे। मानसिक व्यायाम की भूमि में आपका स्वागत है, व्यक्ति ने कहा। यहाँ आप उन गतिविधियों में भाग लेंगे जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को मजबूत करती हैं और आपकी एकाग्रता को बढ़ाती हैं। आर्या ने पजल की ओर बढ़ते हुए अपनी जिज्ञासा को महसूस किया। टुकड़े जैसे तैरते और खुद को फिर से व्यवस्थित करते हुए प्रतीत हो रहे थे, उसे उन्हें हल करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। व्यक्ति ने जारी रखा, जैसे शारीरिक व्यायाम आपके शरीर को फिट रखता है, मानसिक व्यायाम आपके मस्तिष्क को तेज और केंद्रित बनाए रखता है। नियमित रूप से ब्रेन एक्सरसाइज करने से याददाश्त, समस्या समाधान कौशल और समग्र एकाग्रता में सुधार हो सकता है। किताब के पन्ने ने पाठ 4 अपने मस्तिष्क का व्यायाम को दर्शाया, जिसमें कई प्रकार के मानसिक व्यायाम की जानकारी दी गई थी। एक पजल्स और ब्रेन टीजर्स, क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू और जिग्सॉ पजल्स जैसी गतिविधियां आपके मस्तिष्क को चुनौती देती हैं और समस्या समाधान कौशल में सुधार करती हैं। 2 याददाश्त खेल, ऐसे खेल जो आपको अनुक्रम, पैटर्न या विवरण याद करने की आवश्यकता होती है, याददाश्त और ध्यान को बढ़ाते हैं। 3 तर्कात्मक चुनौतियां, ऐसे व्यायाम जो तर्क और लॉजिक को शामिल करते हैं, जैसे पहेलियां और रणनीति खेल, संज्ञानात्मक कार्यक्षमता को सुधारते हैं। 4 माइंडफुलनेस व्यायाम, ध्यान और केंद्रित सांस लेने जैसी तकनीकें मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकती हैं और तनाव को कम कर सकती हैं। इंटरैक्टिव अभ्यास, सूची से एक प्रकार का मानसिक व्यायाम चुनें और इसे एक सप्ताह के लिए रोजाना करने का संकल्प लें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी एकाग्रता और संज्ञानात्मक क्षमताओं में किसी भी बदलाव को करें। आर्या ने पजल्स और ब्रेन टीजर्स से शुरू करने का निर्णय लिया। उसने हर दिन 15 मिनट विभिन्न पजल्स जैसे क्रॉसवर्ड्स और सुडोकू को हल करने में बिताए। जब उसने इन गतिविधियों में भाग लिया तो उसने पाया कि ये न केवल मजेदार थीं, बल्कि दिन भर अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिली। चादर में ढका हुआ व्यक्ति ने आर्या को एक और स्टेशन की ओर मार्गदर्शन किया, जहां एक बड़ा भूलभुलिया उसका इंतजार कर रहा था। भूलभुलिया आपके मस्तिष्क को व्यायाम देने के लिए एक शानदार तरीका है, व्यक्ति ने समझाया। ये स्थानिक तर्क और समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होती है, जो एकाग्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्या भूलभुलिया में प्रवेश करती है, इसके मोड़ों और मूलों से मार्ग ढूंढते हुए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसने देखा कि उसका मन अधिक केंद्रित और सतर्क हो रहा है। भूलभुलिया के माध्यम से रास्ता खोजने का अभ्यास उसके दैनिक जीवन में एकाग्रता सुधारने के प्रयासों को दर्शाता है। जब आर्या ने भूलभुलिया पूरा किया तो व्यक्ति ने उसे एक शांतिपूर्ण बाग की ओर ले जाया, जहां आरामदायक सीटें और सुकून देने वाली ध्वनियां थीं। मानसिक व्यायाम आपको चुनौती देने के साथ साथ विश्राम और आनंद भी प्रदान करना चाहिए, व्यक्ति ने कहा। संतुलन संज्ञानात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। किताब के पन्ने ने माइंडफुल एंगेजमेंट पर एक अनुभाग प्रकट किया। इस अनुभाग ने मानसिक व्यायाम को उत्साह और जिज्ञासा के साथ अपनाने के महत्व पर जोर दिया। पूरी तरह से गतिविधियों में शामिल होना न केवल एकाग्रता को सुधारता है, बल्कि प्रक्रिया को भी अधिक आनंदमय बनाता है। इंटरैक्टिव अभ्यास, विचार करें कि आप मानसिक व्यायाम के प्रति कैसे दृष्टिकोण रखते हैं। क्या आप पूरी तरह से संलग्न और उत्सुक हैं, या आप उन्हें एक काम के रूप में देखते हैं।
अपने अनुभव के बारे में लिखें और अधिक उत्साही दृष्टिकोण अपनाने से आपकी एकाग्रता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर विचार करें। आर्या ने मानसिक व्यायाम के प्रति अपने दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए एक क्षण निकाला। उसने महसूस किया कि उन्हें एक मजेदार और उत्तेजक चुनौती के रूप में देखने से अनुभव अधिक आकर्षक हो गया। पजल्स और खेलों के प्रति उसकी उत्साही दृष्टिकोण ने न केवल उसकी एकाग्रता को सुधारने में मदद की, बल्कि व्यायामों को कम बोझिल महसूस कराया। जब आर्या बाग में आराम कर रही थी, चादर में ढका हुआ व्यक्ति एक सौम्य मुस्कान के साथ पास आया। आपने अपने मस्तिष्क को व्यायाम देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। याद रखें, जैसे शारीरिक व्यायाम स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, मानसिक व्यायाम स्वस्थ मन के लिए महत्वपूर्ण है। किताब फिर से चमक उठी। अगले पाठ का शीर्षक प्रकट करते हुए पाठ 5 संगीत की ध्वनि। व्यक्ति ने एक मार्ग की ओर इशारा किया जो एक नए मैदान की ओर जाता था, जहां संगीत के नोट हवा में तैर रहे थे, एक हार्मोनिक सिंफनी का निर्माण कर रहे थे। क्या आप एकाग्रता में संगीत की भूमिका की खोज के लिए तैयार हैं, व्यक्ति ने पूछा। आर्या नए उत्साह और ऊर्जा के साथ सिर झुकाया। हाँ, मैं तैयार हूँ। उसने नए मैदान की ओर मार्ग का अनुसरण किया, जहाँ वह यह जानने के लिए तैयार थी कि संगीत उसकी एकाग्रता और संज्ञानात्मक क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकता है। अध्याय 6 समाप्त। इस अध्याय में आर्या विभिन्न मानसिक व्यायामों की खोज करती है जो उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को मजबूत करने और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती हैं। इंटरैक्टिव अभ्यास पाठकों को दैनिक ब्रेन गतिविधियों में शामिल होने और मानसिक व्यायाम के प्रति उनके दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगले पाठ की ओर संक्रमण संगीत के प्रभाव की खोज की तैयारी करता है। बताइए जब आप अगले अध्याय के लिए तैयार हों।